नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नालंदा में साक्षर भारत मिशन के प्रेरकों ने जन आक्रोश रैली निकाली, मांग न पूरी होने पर आत्महत्या की दी धमकी। 2019 के चुनाव को लेकर समीकरण बननी शुरू, एनडीए खेमे में बैठक हुई। और सीबीएसई नीट की रिजल्ट जारी, एनआईओएस के छात्रों ने 12वीं के रिजल्ट खराब होने का विरोध जताया। अब खबरें विस्तार से। रविवार को बिहार के सीवाईएसएस के छात्र नेता के द्वारा इफ्तार का आयोजन कुम्हरार विधान कार्यालय खजांची रोड पटना में किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमर यादव, मीडिया प्रभारी बबलू प्रकाश, कार्यालय सचिव श्री वत्स पुरुषोत्तम सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। देश की तरक्की और अमन आपसी सद्भावना बना रहे इसके लिए दुआ मांगी। साथ ही हिंदू भाई ने इफ्तार पर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। ग्वालियर से बरौनी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में अकेली सफर कर रही छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा का आरोप है कि कोच के अटेंडेंट ने उसके साथ छेड़खानी की, जिसकी शिकायत उसने रेलवे कंट्रोल रूम को दी। ट्रेन के हाजीपुर पहुंचने पर रेलवे पुलिस ने आरोपी कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। मुझे कल कंट्रोल के माध्यम से यह सूचना मिली कि ट्रेन नंबर 11124 डाउन ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन का कोच नंबर A1 के बर्थ नंबर 1 के महिला के साथ कुछ बातें हुई है। इस सूचना पर हमने अपना टीम बना करके गाड़ी का इंतजार किया और जैसे ही गाड़ी हाजीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई, युक्त कोच में जा करके संबंधित महिला का ध्यान लिया। हमने महिला का लिखित आवेदन लिया, यात्रियों से पूछताछ किया। महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें शिकायत किया गया कि कोच अटेंडेंट, ये वन के कोच अटेंडेंट, बेडरोल कोच अटेंडेंट सज्जन कुमार द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई। तत्पश्चात उस कोच अटेंडेंट को अरेस्ट किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 80 और 31 पर यातायात पूरी तरह ठप पड़ गया है। आलम यह है कि 10 किलोमीटर तय करने में वाहनों को 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इससे आम यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। एक तो गांधी सेतु के बंद होने से वाहनों की संख्याओं में इजाफा हुआ है, वहीं राजगीर में चल रहे मलमास मेला के कारण भी उत्तर बिहार के भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आवागमन से जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है। NH 31 और 80 पर आज फिर पूरी तरह जाम लगा हुआ है और यातायात पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। रात्रि के 2 बजे से लेकर आप सुनेंगे कई ड्राइवर का बाइट हमने लिया है, रात्रि के 2 बजे से लेकर अभी तक जाम लगा हुआ है। प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। इसका मुख्य कारण है ओवरटेकिंग और ओवरलोडिंग में फंसी हुई गाड़ियों का खराब हो जाना राजेंद्र सेतु को चढ़ते हुए। दूसरा कारण है भारत में ट्रैफिक सेंस का पूरी तरह से लोगों के अंदर अभाव होना, और बिहार में ट्रैफिक सेंस खास तौर पर लोगों में नहीं पाया जाता है, इसको सुधारना पड़ेगा। कैमरा पर्सन राम प्रकाश के साथ रविशंकर, मोकामा। मुकामा प्रखंड की मोड़ पूर्वी पंचायत में इन दिनों दबंगों ने गांव की गली पर कब्जा करने का अभियान तेज कर दिया है। इसी पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना ने बनाई गई थी। नाली और गली को तोड़कर दबंगों ने अपनी दबंगई का एहसास कराया था। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि वार्ड नंबर 11 में दबंगों ने एक लंबी चौड़ी गली पर कब्जा जमाने की कवायद शुरू कर दी है। वर्षों से लोग इस गली का सार्वजनिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दबंगों ने अपनी दबंगई का नायाब नमूना दिखाकर प्रशासन को भी सख्ती में डाल दिया है। उधर जो है सर, करीब 40-50 साल पहले से रास्ता था आम, उसके बाद करीब 10 साल के अंतराल में सरकारी योजना से ईंट सोलिंग फिर ढलाई हुआ, और उसमें जो है मनोहर प्रसाद सभी भाई उस रास्ता को जबरदस्ती घेरना चाह रहे हैं और एक पिलर भी दे दिए हैं। उस रास्ता बंद हो जाने से सर, उधर का जो भी आदमी रह रहे हैं उन लोगों को सर भारी दिक्कत होगा आने जाने में।
अब बिहार की राजनीतिक समीकरण बननी शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ एनडीए खेमे के लोग लगातार बैठक पे बैठक कर 2019 के समीकरण को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, कोई जादू और विपक्षी दल ने भी अपनी समीकरण बना लिया है। इन सभी के बीच आज बिहार की राजनीतिक ने इफ्तार के बहाने चुनाव के मद्देनजर इफ्तार के केसर की पार्टी रखी। ये कोई दूरी की बात नहीं है, अच्छे समय पर सब लोग घूमते हैं, हर तरह के लोग घूमते हैं और देश के लिए, समाज के लिए अमन का मांग करते हैं, दुआ करते हैं। हम लोग भी यही दुआ करते हैं। रही बात कुछ बीस माह के बकाए मानदेय का भुगतान सेवा नियमित करने जैसे विभिन्न मांगों को लेकर साक्षर भारत मिशन के प्रेरकों ने बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र से जनाक्रोश रैली निकाली। मांगे हैं 20 माह से बकाया वेतन जल्द भुगतान करो, प्रेरकों को सेवा नियमित करो। अगर 15 दिन के अंदर हम लोग की सरकार मांग नहीं पूरी करेगी तो पूरा सचिवालय को मानव श्रृंखला बनाकर पूरे बिहार प्रदेश घेर लेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मांगे तो हम लोग आत्मदाह के भी। नालंदा के नूरसराय थाना पुलिस ने बाइक सवार एक युवक को एक लोडेड देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। नालंदा के एसपी सुधीर कुमार पोड़िका ने बताया कि गश्ती के दौरान रसलपुर मोड़ के समीप वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार दो युवक पुलिस को देखते ही दोनों बाइक छोड़कर भागने लगे, जिस पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने भाग रहे दो युवकों में से एक को खदेड़ कर पकड़ लिया। हालांकि पुलिस अन्य बिंदु पर भी जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि दोनों युवक सड़क लूट या फिर किसी बड़ी वारदात की घटना को अंजाम देने जा रहे थे। वो खदेड़ के पकड़ा गया और उसके कमर से जो है एक देसी पिस्टल और 4.35 बोर का जो है गोली मिला। इन लोगों का नाम क्रमशः महेश शांति है और फरार अभियुक्त का नाम अधीर यादव है। ये लोग बिंदु थाना का रहने वाला है और इन लोगों का पूर्व आपराधिक इतिहास से हम लोग खंगाल रहे हैं और वर्तमान में ये लोग किस घटना को अंजाम देने जा रहे हैं वो सब जो है बाकी अनुसंधान में आएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद राजद नेता भोला यादव ने कहा कि लालू यादव की बॉडी में इन्फेक्शन होने के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है और ब्लड शुगर भी कम है और उन्हें कंट्रोल करने को लेकर डॉक्टर रमाकांत पांडे ने सजायाफ्ता लालू यादव को 2 हफ्ते घर पर आराम करने की सलाह दी है। यदि 2 हफ्तों में हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाता है तो तुरंत ही उनका ऑपरेशन कराया जाएगा। कंट्रोल करने के लिए अविलंब फिस्टुला का जो ऑपरेशन होना जरूरी है और फिस्टुला का ऑपरेशन के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के चलते कहा गया है 2 सप्ताह भर प्रॉपर घर पर जाकर के जो डाइट चार्ट दिया गया है उसके हिसाब से खाइए और जब हीमोग्लोबिन प्रॉपर हो जाएगा और ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा फिस्टुला का ऑपरेशन किया जाएगा। 2 सप्ताह बाद फिर उनको जाना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीबीएसई नीट के रिजल्ट जारी होने पर आज पटना के ललित भवन स्थित एनआईएसीएल के छात्रों ने 12वीं के खराब रिजल्ट को लेकर विरोध जताया, वहीं संस्थान पर धांधली का आरोप भी लगाया। बताते चले कि 1 जून को एनआईसीएल ने रिजल्ट जारी किया था जिससे छात्रों ने काफी रोष व्यक्त किया। बाढ़ पंडारक थाना क्षेत्र के एनटीपीसी डैम के पास कृषि कार्य करने में जुटे बिहारी बिघा पंचायत निवासी 25 वर्षीय रितेश कुमार की ठनका गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मृतक का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। परेशानी यही हुई है कि सर मतलब हम लोग इतना अच्छे से लिखे हैं और हम लोग को नंबर 0 दिया गया है सर फिजिक्स में और मैथ में मतलब इतना कम नंबर दिया गया 8 नंबर। हाँ। ये मतलब किस तरह से कॉपी चाचा किया है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या बोले हैं। और टीएमए का नंबर सर
एब्सेंट लगाया गया सर। किस चीज़ का नंबर है ये? टीएम में 12th का है सर, 12th के पेपर में सर। कब रिजल्ट आया सर? रिजल्ट परसों रात में आया सर। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि मतलब सही कॉपी जांचा गया, और एक बच्चे का सर ऐसा किया गया है जो हमारे फ्रेंड है जिनका सर हिंदी सब्जेक्ट लिया ही नहीं है सर, ठीक है, और उनका सर हिंदी मतलब डाल करके सर नंबर भी दिया गया और पास भी बच्चा कर गया है। अंदर क्या बोला है? अंदर बोला जा रहा है कि मैं देखूंगा, 800 रुपया 2 पैसा हर चीज़ में पैसा मांगा जा रहा है, पर सब्जेक्ट 800 रुपया मांगा जा रहा है, उसके बाद भी रिजल्ट सही नहीं मिल पा रहा है। नाम हमारा नाम शुभम राज हुआ। 2 साल से पहले बार RW लगा दिया गया जबकि पूरा लिखे थे। हाँ, इस बार भी अच्छा लिखे, 7 से 17 नंबर का दिया गया, 21 नंबर। क्या बोला जा रहा है? अभी आए हैं, अभी जाके बात करेंगे, बात करिएगा। पिछले बार दिए तो RW लगा दिया, बोला कि रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी लटका दिया, फिर एग्जाम दिए, 21 नंबर दिया। ठीक है, अपना नाम बताइए। अंकित आर्य। बोले तो बख्तियारपुर में सलीमपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में एक सप्ताह पूर्व जमीन कारोबार नंदेश उर्फ बजरंगी राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में शामिल 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बताया गया है, जिनमें 3 अभियुक्तों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त बातों का खुलासा करते हुए ग्रामीण SP आनंद कुमार ने बताया कि 2 अपराधियों की गिरफ्तारी पटना के राजीव नगर से जबकि 1 अपराधी की गिरफ्तारी औरंगाबाद से की गई है। पटना के SSP मनु महाराज ने संवाददाता सम्मेलन कर मासूम बच्चे की हत्या पर खुलासा किया। महज 2 साल की एक मासूम बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस दर्दनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि बच्ची का सगा फूफा पवन साव है। ये दरिंदा पटना पुलिस के कब्जे में है। ये सनसनीखेज वारदात पटना के रामकृष्णा नगर थाना इलाके की है। 27 मई की रात को पवन साव ने 2 साल की ऋषभ राज की हत्या कर दी थी। के द्वारा जो ऑटो चलाते हैं उनके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि उनका बेटा ऋषभ राज अचानक से गायब हो गया है। उन्होंने अपने जीजा का नाम उसमें दर्ज किया और उस पर शक जाहिर किया कि वही उनको ले गए हैं। पुलिस ने इसका अनुसंधान किया, CCTV फुटेज के आधार पर ये देखा गया कि जो उनके जीजा थे पवन साव नाम के जो मसौड़ी के रहने वाले हैं वही उस बच्चे को उठा के ले जाते हुए CCTV में देखे गए, और उनके द्वारा पुलिस को भरमाया गया कि उन्होंने उस बच्चा किसी और को दे दिया है, जिसकी तलाश में पुलिस कैमूर और UP तक घूम कर आई। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।